इंडिया में जो डोमेस्टिक सप्लाई है 220 वोल्ट्स 50 फ्रीक्वेंसी हम सबको पता है, ठीक है। तो ये इंडिया में इतना है, और अमेरिका में जो यूएसए है उसमें जो डोमेस्टिक सप्लाई यूज होती है 110 वोल्ट होती है। तो हमारे पास एक बल्ब है, एक बल्ब में लेके आया, ठीक है, ये जो बल्ब है वो 60 वाट का पावर है। तो ऐसा तो नहीं इसका पावर चेंज हो जाएगा, भाई बल्ब इंडिया में 60 वाट का है तो वो कह रहा है कि वही बल्ब वहाँ भी अगर 60 वाट का है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब ऑफ आर, और इसका रेजिस्टेंस आर है और 60 वाट का बल्ब है, तो वहाँ पर जो पावर है एनर्जी, भाई यहाँ अगर 100 जूल एनर्जी ले रहा था तो अमेरिका में भी तो 100 जूल एनर्जी लेगा, समझ रहे हो ना, एनर्जी कंजर्वेशन वायलेट तो नहीं हो जाएगी ना यार सेम टाइम में। तो यहाँ से 60 वाट का अगर पावर था तो वो अमेरिका में भी 60 वाट है, लेकिन अगर इंडिया में उस बल्ब का रेजिस्टेंस आर है तो वहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा यार, ठीक है। तो वहाँ पे यूएसए में जो रेजिस्टेंस है वो आर डैश हो गया, और उसकी हमें कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो चलो आसान सवाल है, तो बल्ब की डेटा के लिए इंडिया के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडिया में अगर मैं देखूँ तो इंडिया में जो पावर ऑफ बल्ब है दैट इज वी स्क्वायर ओवर आर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब ये जो भी है ये बल्ब की डेटा है यार, तो इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डोमेस्टिक सप्लाई, इस बल्ब को हमने इंडिया में जो हमारा बल्ब था, ये वाला जो बल्ब था उसको हमने 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए, प्लस माइनस 220 वोल्ट से कनेक्ट कर दिए। तो ये जो पावर ले रहा है वो पी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर ये इंडिया की कहानी है बच्चों, ठीक है। अब अमेरिका में चले जाओ, यूएसए में इसी बल्ब को कनेक्ट कर दो, अमेरिका में यूएसए में 110 वोल्ट एसी सोर्स से, 110 वोल्ट एसी सोर्स से, तो वहाँ पर रेजिस्टेंस मान लो आर डैश हो गया, तो वोल्टेज वी डैश स्क्वायर, और पावर वहाँ भी पावर पी ही रहेगा, तो वहाँ भी हम लोगों का जो पावर है वो पी रहेगा। तो पावर पी इज इक्वल टू वोल्टेज वी डैश स्क्वायर रेजिस्टेंस आर डैश, दिस इज इक्वेशन नंबर टू। तो ये यूएसए का है और ये इंडिया का है, तो अगर मैं दोनों को कंपेयर कर दूँ, दोनों के इक्वल कर दूँ, तो मुझे वी स्क्वायर इंडिया में पावर इक्वल होगा, और अमेरिका में वी डैश स्क्वायर और रेजिस्टेंस आर डैश, तो हमें आर डैश चाहिए। तो यहाँ से हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर लेंगे आर डैश की वैल्यू। तो चलो इंडिया में है 220 मल्टीप्लाइड बाई 220 और रेजिस्टेंस आ गया आर, और अमेरिका में 110 मल्टीप्लाइड बाई 110 और रेजिस्टेंस आ गया आर डैश। तो ये जीरो ने ये जीरो से ख़त्म कर दिया, ठीक है, और ये टू टाइम्स में कट गया और ये इसको टू टाइम्स में कट गया। तो जो आर डैश की जो वैल्यू आ जाएगी, आर डैश की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आर अपॉन फोर। तो रेजिस्टेंस जो अमेरिका में है वो कम हो जाएगा, ऑब्वियसली अगर पावर सेम है और भी कम हो गया, ठीक है, भी अगर भी रेजिस्टेंस आर डैश अगर देखोगे तो पावर सेम है, तो भी अगर कम हो गया तो आर को भी तो कम होना पड़ेगा, क्योंकि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, अगर पी कॉन्स्टेंट है तो आर डैश आर अपन फोर। मतलब ये है कि ये ऑप्शन, हाँ ये ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता, क्योंकि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के आर के अगर पावर कॉन्स्टेंट है, और ये ऑप्शन भी कभी सही नहीं हो सकता। या तो ये सही है और हमने कैलकुलेट करके देख लिया कि ये सही है। चलो ये कहता है